नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 4 जो है उसका टॉपिक नंबर 4.2, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ कंडेंसर्स के हम स्टडी कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि एक्सटर्नल फ्लूड के बेसिस पे कंडेंसर्स 3 टाइप से क्लासिफाई किए जाते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवेपोरेटिव कंडेंसर। और इससे पहले हमने एयर कूल्ड कंडेंसर में जो नेचुरल कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर है वो हमने देखा था, समझा था। अब हम देखेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर में फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर जो है वो क्या होते हैं। देखिए, सिंपल, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है नेचुरल कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर में, फोर्स टाइप कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर में, कि नेचुरल कन्वेक्शन टाइप जो कंडेंसर है, एयर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है, उसमें नेचुरल में जो एयर रहती है वो एयर आपकी जो एटमोस्फेरिक एयर है वो नेचुरली फ्लो करती है, और उसी के उस फ्लो से, बॉयंसी की वजह से जो उसमें फ्लो होता है उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है वो नेचुरली ही होती है, ठीक है। लेकिन फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर जो होते हैं इसमें जो एयर का सर्कुलेशन है, ठीक है, वो कंडेंसर सरफेस में कोई एक्स्ट्रा मीन, मतलब कोई भी एक्सटर्नल मीडियम से किया जाता है, लाइक फैन और तो आपका फैन या ब्लोअर से जो है आपका सर्कुलेशन किया जा सकता है एयर का, क्योंकि ये फोर्स से किया जा रहा है इसीलिए जो कन्वेक्शन है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन कहलाता है, ठीक है। और जो इसमें, इस कंडेंसर में क्या होगा कि जो फिन्स हैं वो एयर साइड में ही, जहाँ एयर फ्लो हो रही है वहीं रहेगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वहां पे जो है एयर जब मूव कर रही है तो उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है आपका हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें जो फिन्स है वो प्लेट टाइप की हो सकती है या फिर एनुलर टाइप, एनुलर टाइप मतलब सिलेंड्रिकल शेप में जो भी हो सकती है, पतली एनुलर टाइप, ठीक है। अब इसमें जो फिगर है वो जनरली आपका दिखा रहा है प्लेट फिन टाइप कंडेंसर का दिखा रहा है इसमें। तो ये जो फिन्स लगी हुई है वो प्लेट फिन्स लगी हुई है इस डायग्राम में, और आपका जो ये पाइप है उससे रेफ्रिजरेंट जो है वो आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस टाइप का जो आपके जो कंडेंसर होते हैं, फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर, फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर्स जो है वो जनरली विंडो एयर कंडीशनर्स में यूज किए जाते हैं या वाटर कूलर्स और पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये यूज किए जाते हैं। ये या तो चेसिस माउंटेड होते हैं या रिमोट माउंटेड होते हैं। चेसिस माउंटेड मतलब बॉडी पे माउंट होते हैं, जो एसी की बॉडी होती है उसी पे माउंट होते हैं। रिमोट माउंटेड मतलब उससे थोड़ी सी दूरी पर माउंटेड होते हैं, ठीक है। इन जो चेसिस माउंटेड होते हैं उनमें जनरली क्या होता है कि कंप्रेसर, इंडक्शन मोटर, कंडेंसर विथ कंडेंसर फैन, एक्यूमुलेटर और हाई प्रेशर लो प्रेशर कटआउट स्विच, और उसके साथ में जो प्रेशर गेज है वो सब उस सिंगल चेसिस पे, उस बॉडी पर माउंटेड रहते हैं, ठीक है। जो ये होल कॉम्बिनेशन होता है उसे कंडेंसिंग यूनिट ऑफ रेटेड कैपेसिटी कहते हैं। रेटेड कैपेसिटी कहते हैं क्योंकि जो इसकी जो मास फ्लो रेट होती है रेफ्रिजरेंट वो मतलब आप कंडेंसर जो यूनिट होती है, जनरली जो कंडेंसर यूनिट होती है उस पे मेंशन होती है, ठीक है। तो जो ये जितने भी जो होल असेंबली जो पार्ट्स होते हैं इस पे माउंटेड होते हैं वो उसकी कैपेसिटी को मीट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जनरली जो रिमोट माउंट टाइप जो होते हैं उसमें क्या होता है कि वर्टिकल होते हैं या फिर रूफ माउंटेड, रूफ पे तो जनरली हॉरिजॉन्टल टाइप ही होते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े से दूरी पे या तो वर्टिकली माउंट कर देंगे या फिर वो छत पे हॉरिजॉन्टल टाइप का जो यूनिट है वो माउंट कर देंगे, ठीक है। अब जनरली देखिए इसमें बस ये जो कैलकुलेशन है वो यही दिखाने के लिए है कि कैसे जो फोर्स कन्वेक्शन टाइप का जो कंडेंसर है वो नेचुरल कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर से कितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस दे सकता है। तो ये जनरली आप इजीली आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो एयर वेलोसिटी होती है वो जनरली
2 मीटर पर सेकेंड जो नॉर्मल एयर वेलोसिटी होती है वो 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड होती है, वो डिज़ाइन के लिए जनरली यही ली जाती है, ठीक है। और एयर फ्लो रेट जो है वो 12 to 20 क्यूबिक mm ली जाती है पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और एयर की स्पेसिफिक हीट आपको पता ही 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। और डेंसिटी जो है एयर की वो भी हमेशा ये याद रखने का होता है कि एयर की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है और डेंसिटी कितनी, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में नहीं दिया होता तो आपको याद रखना चाहिए ये, ठीक है। तो 1.2 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो 1 टन का अगर आप कंडेंसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज कितना होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जनरली इन्होंने ये आपकी डेंसिटी रखी है, ये आपकी स्पेसिफिक हीट रखी है और 16 क्यूबिक एमएम की बात कर रहे हैं, तो वो जो है आपकी फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, आपकी डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट और मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करके और आपका ये जो है 3.51, ये आपका 1 टन को किलोवाट में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है 3.5167, ठीक है। तो क्यू है, क्यू का फॉर्मूला जो होता है MCP dT, उससे dT मतलब डेल्टा टी, उससे MCP dT से आपका डेल्टा टी निकाला है। तो जनरली 16 क्यूबिक mm के लिए निकाला है तो वह एयर टेम्परेचर डिफरेंस दिखा था 10.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कह सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन हम स्पीड में ले लेते हैं या एयर फ्लो रेट में ले लेते हैं तो कह सकते हैं कि 10 to 15 डिग्री होता है एज कम्पेयर टू 3 to 6 डिग्री फॉर वाटर इन वाटर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है। तो आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर के कंपैरिजन में भी जो है आपका एयर कूल्ड फोर्स कन्वेक्शन टाइप में इतना डिफरेंस आपका देता है वो, ठीक है। तो तो ये एयर कूल्ड कंडेंसर में फोर्स कन्वेक्शन टाइप के बारे में था। इसके बाद हम आगे देखते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर हम स्टार्ट कर देते हैं। वाटर कूल्ड कंडेंसर्स में जनरली क्या होता है कि जैसे एयर कूल्ड कंडेंसर में जो मीडियम था, कूलिंग मीडियम था, वो एयर थी और वाटर कूल्ड कंडेंसर में जो मीडियम होता है वो वाटर होता है। तो इसने बोला एक्सटर्नल फ्लूइड जो है वो वाटर होता है, ठीक है। जो उनके कंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से जो वाटर कूल्ड कंडेंसर है उनको 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है डबल पाइप और ट्यूब एंड ट्यूब टाइप, दूसरा है शेल एंड कॉयल टाइप और तीसरा है शेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर, ठीक है। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि डबल पाइप और ट्यूब इन ट्यूब टाइप जो वाटर कूल्ड कंडेंसर होते हैं उसमें क्या होता है। तो जनरली डबल पाइप में क्या होता है और इसको ट्यूब इन ट्यूब भी कहते हैं और डबल पाइप भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि दो जो पाइप होते हैं एक पतला पाइप दूसरे मोटे पाइप के अंदर होता है, इसलिए इसे डबल पाइप कहते हैं या ट्यूब इन ट्यूब। तो ट्यूब एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब होती है, ठीक है। तो ये जो अंदर ट्यूब दिखा रहे हैं पतली, उसमें कूलेंट, कूलेंट जनरली क्या होगा, इसमें आपका पानी ही होगा क्योंकि वाटर कूल्ड कंडेंसर है तो कूलिंग के लिए पानी ही है, इसलिए इसे कूलेंट है। और रेफ्रिजरेंट जो है वो बाहर वाले पाइप में फ्लो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका पैरेलल जो है वो फ्लो होता है। तो ये जो वाटर कंडेंसर है इस टाइप के डबल पाइप और ट्यूब इन ट्यूब टाइप कंडेंसर वो जनरली अप टू 10 TR टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए यूज किए जाते हैं। फिगर से मैंने आपको समझा ही दिया है कि किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। और इन पे हेडर्स दिए जाते हैं ताकि जो इनका जो प्रेशर ड्रॉप है उसको वो मेंटेन कर सकें, वो प्रेशर ड्रॉप नहीं हो पाए, ठीक है, उसमें इसलिए इसमें हेडर दिए जाते हैं बंद करने के लिए, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेंट जो है वो काफ़ी इसमें जो हीट रिजेक्शन है वो दोनों टाइप से होते हैं, एक तो कन्वेक्शन से भी होगा और फिर दूसरा आपका जो है रेडिएशन, क्योंकि बाहर जो एनुलर जो आपका पाइप है उसमें रेफ्रिजरेंट है तो उससे हीट ट्रांसफर रेडिएशन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस टाइप के जो कंडेंसर होते हैं उसका क्या होता है, जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशेंट है वो जनरली पुअर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका लिक्विड जो फ्लो है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, वो फ्रीली मूवमेंट आप देखिए इस तरीके का जो आपका फ्लो होगा जनरली
वो आपका फ्लो प्रॉपर जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता, एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में होता है, एक फ्लो पैटर्न उसका तय है, उसी में वो बार बार फ्लो करता है। तो इस तरीके से जो इस पैटर्न की वजह से इसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशेंट है वो जनरली लो होता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो दूसरे वाटर टाइप कंडेंसर्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।